नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। कोरोना के केस हरियाणा में लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट भी हरियाणा में 75% से अधिक है। कहा जा सकता है कि कोरोना की दूसरी लहर से हरियाणा बेहतर तरीके से निपटने में कामयाब रहा है। प्रदेश में अब तक कोविड के 7,50,000 से ज़्यादा मामले सामने आए और 7,13,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या 28,000 के आसपास है, लेकिन कोविड से बचे रहने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है वैक्सीनेशन। जी हाँ, लोग संक्रमित होने से बचे रहें इसके लिए टीकाकरण बेहद ज़रूरी है। सवाल यही है कि वैक्सीनेशन की स्थिति हरियाणा में क्या है। 16 जनवरी से जब टीकाकरण का काम शुरू हुआ था तब सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन 1 मई आते आते वैक्सीनेशन की रफ्तार इतनी धीमी होती चली गई कि अब तो पता ही नहीं चल रहा कि लोग करें क्या। प्रदेश में 18 साल से अधिक उम्र की आबादी 1,90,00,000 से ज़्यादा है, जबकि करीब 4 महीने में टीकाकरण अभी जो कुल हुआ है वो 56,00,000 लोगों का हो सका है। क्यों है वैक्सीनेशन की रफ्तार ढीली और कैसे इसे बढ़ाया जा सकता है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं क्या है वैक्सीनेशन की स्थिति हरियाणा में। हरियाणा में अगर हम पिछले 10 दिनों की भी बात करें तो वैक्सीनेशन की जो डोज दी गई है वो अलग अलग, अगर आप देखने की कोशिश करें 20 मई को कितनी डोज दी गई है, 21 मई को कितनी डोज दी गई है, पिछले 10 दिन से ही अगर हम आंकड़ा लेने की कोशिश करें तो रफ्तार अपने आप पता चल जाता है कि किस जिले में, हरियाणा में कुल 22 जिले हैं, कहां पर कितनी डोज। 16 मई को कुल डोज 43,469 डोज मिली थी हरियाणा को। जो अगर हम एवरेज निकाले एक जिले को तो कितनी डोज मिलती है, करीब 2000 डोज 16 मई को, 2800 डोज 17 मई को, 2900 डोज 19 मई को, और 23 मई को तो स्थिति यह थी कि कुल 176 डोज पूरे हरियाणा के लिए अलॉट हो पाई थी। किस तरह होगा पूरे हरियाणा का ऐसे वैक्सीनेशन, कैसे लोग कोविड से बचे रह पाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। और इसी पे चर्चा करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ वंदना पोपली जी जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस से वेणु सिंगला जी हमारे साथ रहेंगी, ओंकार चौधरी, ओंकार सिंह जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल से रहेंगे, और IMA से, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से, डॉक्टर शशि टुटेजा जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। स्वागत आप सबका। पहला सवाल BJP से, सत्ताधारी पार्टी है, मैडम इस तरह तो नहीं हो पाएगा जैसे लग रहा है सेंटरों में लोग पहुंच रहे हैं और बिना वैक्सीन लगवाए वापस आना पड़ रहा है। कोई पानीपत का आदमी है, रोहतक आके किसी तरह वैक्सीन लगवा ले, ये जुगाड़ कर रहा है। अब सिफारिशों से हरियाणा में वैक्सीन लगने लगी है, जो धूमधाम से जिस तरह वैक्सीनेशन का एक उत्सव शुरू हुआ था वो अब परेशानी में बदलता जा रहा है। देखिए प्रदीप जी, मुझे लगता है कि जब हम ये अभी डिबेट शुरू कर रहे थे तो उससे पहले एक एड भी आ रही थी जिसमें टीका लगवाना कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताया जा रहा था, और हम सभी इस चीज को जानते हैं, लेकिन इस चीज को समझने की भी आवश्यकता है कि एक समय ऐसा था कि इतना ज्यादा भ्रम फैलाया गया इस टीके को लेकर कि लोग टीका लगवाने नहीं आते थे और डोजेस बहुत ज्यादा खराब होती थी। लेकिन हमारी सरकार ने पूरी तरह से संज्ञान लिया है। मानती हूँ कि इस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन एक स्टेटमेंट भी आई है सरकार की तरफ से, हम चाहते हैं कि सितंबर तक जितने भी लोग हैं सबको पहली डोज लग जाए। जुलाई और अगस्त में हम चाह रहे हैं कि डेली 2,00,000 डोजेज जो है वो हरियाणा में लोगों को लगे, ताकि 40 दिन के अंदर हम 80,00,000 जो डोजेज है वो लगवा दें, और इस पूरे सितंबर तक हर एक व्यक्ति को एक डोज कम से कम लग जाए ताकि वो अपने आप को बचा सके। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि बहुत सारी जगह पर ऐसा देखा गया कि ये जो रफ्तार है ना वंदना पोपली जी, ये जो रफ्तार है टीकाकरण की फिलहाल हरियाणा में, उससे लग नहीं रहा कि आप जो उम्मीद कर रहे हैं सितंबर तक कम से कम पहली डोज पूरी आबादी को लग जाए। करीब 3 करोड़ के आसपास हरियाणा की आबादी है, जिसमें से 1,90,00,000 तो 18 साल से ऊपर है। मैडम जी, आपकी बात सही है, जून में हमें बहुत अच्छा नंबर जो है वैक्सीन का मिलने वाला है। तो आप देखेंगे कि जब हम 2,00,000 प्रतिदिन की बात कर रहे हैं तो हमें जब जून में मिलने वाली है तो उसको हम उसी हिसाब से उसकी स्पीड कर देंगे और सबको ये बड़े आराम से लग जाएगी। वेणु सिंगला जी, बड़े आराम से लग जाएगी, बहुत उम्मीदें हैं वंदना पोपली जी को।
हरियाणा को भी उम्मीदें थी जब शुरू हुआ था वैक्सीनेशन कैंप। बिल्कुल प्रदीप जी, इसमें बन्ना जी का कसूर नहीं है, जो इनका नेतृत्व है, जो इनका शीर्ष नेतृत्व है, वो यही सुनती हैं कि झूठ बोलो और जोर से बोलो और गलत बात को भी ऐसे बोलो कि पक्का प्रमाण देकर बोलो कि जनता केवल भुलेखे में और इनके झूठे वायदों में आकर रह जाए। लेकिन जनता भैया अब नहीं आपके वायदों में आएगी। जो त्राही त्राही मची है, जो हाहाकार मचवाया है आप लोगों की केवल लापरवाही ने, और आप लोगों की जो झूठी इमेज बनाने की जो एक आपका तरीका था, और जिस इमेज झूठी इमेज को सुसज्जित करने के लिए आपने जो वैक्सीन बाहर भेज दिए अपने देश से, केवल वहां की वाहवाही लूटने के लिए आपने एक मजबूत देश को असहाय कर छोड़ दिया, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। देखिए जिस तरह के आंकड़े आप बता रही हैं, अगर आप उस स्पीड से भी चलती हैं तो भी आप जो हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, जो थर्ड वेव आने वाली है, अगर वो वेव उससे पहले आ जाती है और वैक्सीनेशन नहीं होती है तो स्थिति बहुत भयावह हो सकती है। आज भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो पिछला महीना गया है, कैसे एक डर का माहौल, हर वक्त एक टेंशन हर एक के मन में रहती थी कि पता नहीं उसको अगला पल मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इस तरह की स्थिति में आपका झूठ काम नहीं आएगा। आप लोगों ने जो करना था वो कर लिया, आप उसको छोड़ दीजिए। हम आज आपके साथ हैं केवल इसलिए कि हम जनता का हित चाहते हैं। आप बताइए कि अब क्या करना है कि हमारी जनता को, हर हमारे नागरिक को वैक्सीनेशन मिले। देखिए 1 मई से आपने उसको 18+ की डोज लगवाने का वायदा कर लिया, वायदा तो कर लिया लेकिन आपके पास वैक्सीनेशन थे, वैक्सीन थी नहीं, तो इस तरह से थोड़ी ना काम चलता है। आप लोग तो सरकार आंखें मूंद कर चला रहे हैं। डॉक्टर शशि टुटेजा जी हमारे साथ हैं, इसको लेकर डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे, 1 मई के बाद से जो वैक्सीनेशन की गाड़ी पटरी से उतरी है वो संभल नहीं पा रही है, आगे भले ही कुछ होगा, ग्लोबल टेंडर जारी किए जा रहे हैं, कोशिश है सरकारों की कि किसी तरह लेके आए, लेकिन हालांकि कितनी कंपनियों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है वो अलग बात है, अभी तक इसका आंकड़ा नहीं आया, शायद कल या परसों में अगर आए तो बात अलग है, लेकिन वैक्सीनेशन तो जरूरी है, लेकिन हो ये रहा है कि पहली डोज के बाद दूसरी डोज देने के लिए सरकार के पास वैक्सीन नहीं है, और हालत यह है कि उसकी अवधि बढ़ाई जा रही है, इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? देखिए सबसे पहले तो मैं वंदना जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि पहले दौर में जब 45 से 50 साल या 60 साल से ऊपर के लिए वैक्सीनेशन खुला था तो बहुत डोजेस वेस्ट हुई हैं। 10 डोजेस का एक पैक आता है और जहां लोग अगर 5 भी हुए हैं तो वहां पैक को खोल के लोगों को दे दिया गया और 5 डोजेस वेस्ट हुई हैं। ऐसे समय में जनता ने शायद पूरा साथ नहीं दिया या पूरी तरह से लोग इस बात को समझ नहीं पाए कि डोजेस बहुत वेस्ट हुई हैं। ऐसे समय में मुझे लगता है प्रबंधकों को, आयोजकों को ये कर देना चाहिए था कि अगर डोज वेस्ट हो रही थी तो 18 साल से ऊपर का वैक्सीनेशन को पहले ही खोल देना चाहिए था। कम से कम जो 18 साल प्लस लोग इंटरेस्टेड थे, करवाना चाहते थे, वो उस वेस्टेज का फायदा उठा सकते थे, वो उस वेस्टेज को रोक सकते थे और ज्यादा से ज्यादा लोग इसके लिए लाभान्वित हो सकते थे। जहां तक अंतराल की बात है, देखिए दो, ये पूरी तरह से रिसर्च हुई थी कि वैक्सीन के 2 डोजेस के बीच में अंतराल 4 हफ्ते कम से कम होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 12 हफ्ते होना चाहिए। ये रिसर्च दिन प्रतिदिन चल रही है, लेकिन वक्त को देखते हुए, जिस तरह से आप यूके का एग्जांपल लीजिए, उन्होंने जब दूसरा स्ट्रेन आया तो उन्होंने डोज को बढ़ाकर 12 हफ्ते कर दिया था, लेकिन जिस तरह से दूसरी लहर तेजी से आई उन्होंने अपने रिसर्च को बढ़ाकर ये माना, ये दोबारा सिद्ध किया कि जल्दी से जल्दी 60+ लोग जो हैं, जो 60 वर्ष से ऊपर हैं, उनको 4 हफ्ते के अंतराल पर ये वैक्सीन डोज मिल जानी चाहिए। तो उन्होंने वक्त के रहते उस चीज को समझा और इस चीज के रूल्स में थोड़ी बहुत तबादली की, ये देखते हुए कि वक्त बहुत कम है हमारे पास। अब अगर हम दूसरे लहर के बाद तीसरी लहर का इंतजार कर रहे हैं, उससे डर रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे जरूरी है कि इस अंतराल को, इस वक्त को देखते हुए 4 से 6 हफ्ते के भीतर दोनों डोज ज्यादा से ज्यादा जनता को मिल जानी चाहिए, तभी इसका बेहतरीन उपाय होगा, तभी हम जिस गति से ये कोरोना आगे बढ़ रहा है हमें उससे एक कदम आगे रखना होगा। बिल्कुल शशि जी, मैं आऊंगा वन्ना जी आपके पास 2 बातों को लेकर,
पहली बात यह है कि आपने कहा कि वेस्टेज हुई, कल आपके स्वास्थ्य मंत्री का ही बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जो वेस्टेज के आंकड़े आए थे वो गलत थे और हरियाणा में वैक्सीनेशन की वेस्टेज सिर्फ 2% हुई है, इससे ज़्यादा हुई नहीं है और ये आंकड़े गलत थे, पहली बात। लेकिन उससे पहले मैं ओंकार सिंह जी को जोड़ लेता हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल से है। ओंकार जी, वैक्सीनेशन की स्थिति, आप फील्ड में हैं, इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़े हुए हैं, आपने लगवा लिया टीका? जी प्रदीप जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आप हमेशा जनहित के मामले उठाते रहते हैं और आज के हित में जनता के वैक्सीनेशन से बड़ा कोई मतलब नहीं है। और मैं अपनी बयान वंदना पोपली जी को दूंगा। छोटा चना बाटे जनगणना, इनकी ये पोजीशन है। आज ये अभी टेंडर दे रहे हैं हरियाणा वाले, 1 करोड़ वैक्सीन का टेंडर दिया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अमेरिका की पॉपुलेशन 39 करोड़ है, उन्होंने 150 करोड़ इंजेक्शन खरीद लिए, ठीक है जी। कनाडा की पॉपुलेशन से 10 गुना ज्यादा उन्होंने इंजेक्शन खरीद लिए। ब्रिटेन की पॉपुलेशन 7 करोड़ है, महज 7 से कम, उन्होंने 50 करोड़ इंजेक्शन खरीद लिए। हमारी पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ है, हमारे को 280 करोड़ डोजेज की जरूरत है। और यह छोटा जना बाजा जना यह सिर्फ रैलियां करने में व्यस्त रहे, इन्होंने जनता की कोई परवाह नहीं करी। और आज भी पोजीशन ये है, ये वैक्सीन का टीका उत्सव तो जरूर मना रहे हैं, टीका इनके पास है नहीं, इन्होंने जल्दबाजी में 1 मई से सारी स्टेट्स में 18+ वाले को टीका लगाने की घोषणा कर दी, टीके इनके पास है नहीं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं हम 1 करोड़ टीके का टेंडर दे दिया, अभी तक किसने टेंडर स्वीकार नहीं किया, हालात इनकी ये है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, कोरोना जब राष्ट्रीय महामारी घोषित हो चुकी है, आपको भी पता है मेरे को भी पता है, महामारी एक्ट लागू है, तो ये जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार खुद अगर एक लमसम टेंडर इश्यू करे तो मेरे को लगता है कोई बड़ी कंपनी हमें इंजेक्शन देने को तैयार हो जाएगी। हमारे भारत में सिर्फ कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 ही वैक्सीन लगाई जा रही थी, स्पूतनिक आई रूस की, लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड मात्रा में आई। तो मेरा तो कहना यह है, ये सरकार बिल्कुल भी जनता के प्रति संजीदगी नहीं दिखा रही, जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, जिम्मेवारी मोदी सरकार की है। जब हम वैक्सीनेशन लगाते हैं, मैंने लगाया तो मेरे सर्टिफिकेट के ऊपर मोदी जी की फोटो है। मैं ये अपनी बहन से, चलिए ये तो पॉलिटिकल बात हो गई, लोगों के हित की बात यह है कि वैक्सीनेशन होनी चाहिए। वंदना पोपली जी, मैं पिछले सिर्फ 10 दिन के कुछ आंकड़े आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, कुछ ऐसा रिसर्च है आप ही के सरकारी वेबसाइट से लिया गया है। हरियाणा में 22 जिले हैं, 16 मई को जो डोजेज दी गई थी या टीकाकरण हुआ वो 43,400, मतलब अगर 22 जिले की हम बात करें तो 1,975 एक जिले में इंजेक्शन लगे हैं कोविड से बचाव के लिए, 17 को एक जिले में लगे हैं 2,839, 18 को 2,913 एक डिस्ट्रिक्ट में, अगर एवरेज निकाले तो उस जिले को, हालांकि मिले पूरे हरियाणा को मिले थे 18 मई को 64,087, लेकिन किस जिले को कितना बांटा गया अगर हम एवरेज निकाले तो एक जिले के हिस्से में 2,913 आते हैं। हालत बहुत खराब हुई, 23 मई को कुल 176 टीके दिए गए एक जिले के हिस्से में आए, 26 मई को 408 ही टीके आए। अब एक जिले में अगर 2,408 टीके आ रहे हैं या 4,000 आ रहे हैं या 3,000 आ रहे हैं या 7,000 आ रहे हैं, आपको मालूम है फरीदाबाद में 18 साल से ऊपर के कितने लोग हैं, गुड़गांव में कितने लोग हैं, रोहतक में कितने हैं, हिसार में कितने हैं? अगर वहां पे सिर्फ 2,000 लोगों को एक दिन में टीका लग सकेगा या 3,000 को एक दिन में टीका लग सकेगा वंदना पोपली जी, तो फिर ये वैक्सीनेशन का तो चलता ही रहेगा उत्सव, कार्यक्रम लगातार जारी है। प्रदीप जी, मैं एक चीज बताना चाहूंगी सबसे पहले जी, कि जो वैक्सीनेशन है उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। आपको मालूम होगा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन भारत में किया जा रहा है, 130 दिनों में 20 करोड़ लोगों को। जब आप ओंकार जी सुन लेते हैं, पहले सुन लेते हैं, मुझे लगता है आपको सुनना चाहिए। अरे सुनिए सुनिए ओंकार जी, पहले बोलने दीजिए, बड़े बड़े गंभीर सवाल है, जवाब देते हैं पहले। जी
जी 130 दिन में 20 करोड़ अगर वैक्सीनेशन हुआ है पूरे विश्व में, सबसे ज्यादा हम लोग कर रहे हैं। और आपको बताना चाहूंगी कि 2021 तक हम 200 करोड़ खुराक के उत्पादन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये अचानक से आई बीमारी है जिसमें हम सबसे, मैं गर्व, अचानक नहीं दूसरा साल लगा हुआ है मैडम, हमारे देश में सबसे पहले हम एक कदम आगे बढ़कर हमने इस वैक्सीनेशन को हम लेकर आए। शायद कांग्रेस की सरकार होती तो 10-15 साल लग जाते या फिर हम बाहर से मंगाते रहते। एक चीज और, एक इम्पोर्टेंट चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि अप्रैल में ही जो यूएसए की एफडीए, ईएमए, यूनाइटेड किंगडम की, इंग्लैंड की एमएचआरए, जापान की पीएमडीए, डब्ल्यूयूएचओ को अनुमोदन कर दिया है कि इन वैक्सीनेशन को भी हम खरीद सकते हैं। स्पुतनिक तो आ ही रही है, हम अपनी तरफ से चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया से भी हो, बाहर से अगर हमारे को लेना पड़े तो हम पूरी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन कुछ एक प्रश्न आए थे जिसका मैं जवाब देना चाहूंगी। सबसे पहले इन्होंने कहा कि राज्यों के बजाय केंद्र क्यों नहीं। मुझे लगता है बहुत सारे राज्यों की तरफ से, खासकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये बार बार अनुरोध आया। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, राजस्थान में पड़ोस में ले लीजिए, हम जब 400 रुपए में टीका दे रहे थे वो उनको पसंद नहीं आया, वो बाहर से 1000 रुपए में मंगाना चाहते हैं। कारण वेणु जी यहाँ पर बताएंगी। वेणु जी ने यहाँ पर एक प्रश्न किया था, वेणु जी से तो पूछ लेंगे, जवाब आपसे लेना है मैडम, जवाब आपसे लेना। वेणु जी से तो हम पूछ लेंगे, सत्ता में आप है, वेणु जी नहीं है, उनको तो चलता कर दिया, 10 साल से बाहर है वो, 10 साल से, जवाब आपको देना है। राजस्थान में तो अंदर ही है। हरियाणा की बात करो ना, हरियाणा की बात करो ना, इस समय हरियाणा की बात कर रहे हैं हम लोग, हरियाणा की बात कर लो मैडम, बड़ा अच्छा रहेगा। वेणु जी जब सब कुछ इतना बढ़िया हो रहा है, आपके राजस्थान की बात आ गई है ना, हरियाणा में तो सब कुछ बढ़िया हो रहा है एकदम फर्स्ट क्लास से, है ना, आप लोग पता नहीं क्यों लगातार कोसते हो सरकार को। बढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इन लोगों के लिए, इन लोगों ने यही सीखा है कि खुद काम ना करो, दूसरे पर दोष मढ़ो, और जो वाहवाही लूटना, मैंने पहले भी बताया कि झूठी वाहवाही लूटने के चक्कर में इन्होंने हमारे देश को गर्त में डाल दिया, हमारी जनता बेचारी बेहाल है। और नहीं मुझे मालूम कि इन्होंने अगर वो हाल देखा या नहीं देखा, पिछले महीने जो ऑक्सीजन की किल्लत हमारे देश में रही, कि क्यों नहीं समय रहते ये लोग इंतजाम कर पाए, कि क्यों ये लोग रैलीज में लगे रहे, क्यों ये लोग महाकुंभ का इन्होंने वहां पर पाखंड रचकर, और देखिए देश का क्या हाल इन्होंने कर दिया, क्यों नहीं टाइम से एक्शन लिया गया। और फिर इन्होंने धीरे धीरे ये लोग अपना दोष बढ़ना चाहते हैं चुनाव आयोग के ऊपर, कभी कुछ बात कर देते हैं, कभी आकर झूठे आंसू बहा देते हैं। चलिए डॉक्टर शशि टुटेजा जी से हम कुछ टेक्निकल बातें समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, 16 जनवरी को वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ था, शुरुआत में फ्रंटलाइन जो लोग थे, डॉक्टर्स या दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ के लोगों को वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। उसके बाद फिर अप्रैल में इसका तीसरा चरण शुरू हुआ, मार्च में 60 साल से ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन देने की बात हुई, फिर 45 साल वाले अप्रैल में, और फिर 1 मई से जो है 18 से 44 साल वाले लोगों के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि घोषणा तो हो गई, तैयारियां कम थी, सरकार की ओर से कह दिया गया, लेकिन जो एक्सपर्ट्स की राय आनी चाहिए थी वो आने में देरी हुई या नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से जो है पूरी गफलत हुई। और आज टीकाकरण की हालत ये है कि अगर ऑन स्पॉट भी आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको टीका नहीं मिलता, एक सेंटर से आपको दूसरे सेंटर जाना पड़ता है। और कई मामले तो ऐसे भी आए हैं कि पानीपत के लोग रोहतक में आके टीका लगवा के जा रहे हैं किसी तरह करके, या फिर सिफारिशें लग रही हैं। ये प्लानिंग में कमी का कोई हिस्सा है क्या? ये कमी तो कहीं ना कहीं प्लानिंग में ही है, शॉर्टेज है वैक्सीन की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये शॉर्टेज जो है 1 मई के बाद ही ज्यादा नजर आई है, उससे पहले इवन आईएमए ने जगह जगह कैंप्स लगाए हैं, फ्री कैंप्स लगाए हैं, क्योंकि हमारे पास डोजेस थी और लगवाने वाले लोग आगे नहीं आ रहे थे। आईएमए ने, बहुत सारी सोसाइटीज ने, एनजीओज ने, जगह जगह कैंप सोसाइटीज ने, रेजिडेंशियल सोसाइटीज ने अपने कैंप्स लगाए हैं फ्री, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठा सकें। तो बहुत ज्यादा वेस्टेज हुई है। उस वक्त अगर इस बात को भाप लिया जाता कि प्रोसेस को स्पीड अप कर दिया जाता कि जितनी डोज अवेलेबल हैं उतनी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके, तो कम से कम आज का ये दिन देखना नहीं पड़ता हमें। अब
मेरी तो केंद्र से, रूलिंग पार्टी से और ओपोजिशन पार्टी से सबसे एक ही गुजारिश है, एक दूसरे पर लांछन और कीचड़ उछालने के बजाय सब मिलकर एक डायरेक्शन में काम करें कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन कैसे प्रोक्योर की जाए, कैसे बनाई जाए स्पीडीली, और कैसे बेस्ट वैक्सीन, अगर हम कहें कि कोवैक्सीन, कोविशील्ड भारत में है तो फाइजर और मॉडर्ना क्यों नहीं है अभी तक, उसको जल्दी से जल्दी भारत में लाया जाए। जॉनसन नाम की वैक्सीन है जिसका एक सिंगल शॉट वैक्सीन का काफी है बजाय दो डोज के, वो कम रेट में हमें अवेलेबल है, उसके लिए कोल्ड चेन की जरूरत नहीं है। जॉनसन जॉनसन की वैक्सीन भारत में जल्दी से जल्दी मंगवाने का एक तरीका निकाला जाए। भारत में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, सब हॉस्पिटल्स में वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्टेड सेंटर्स हैं गवर्नमेंट के और प्राइवेट जहां पे वैक्सीन अवेलेबल है। ज्यादा से ज्यादा सेंटर्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फिजिशियंस और पीडियाट्रिशियंस, दे आर वेरी कैपेबल ऑफ इंजेक्टिंग दिस वैक्सीन। इवन कंपाउंडिंग स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ जब ये वैक्सीन देता है एक सुपरविजन में, तो पीडियाट्रिशियंस और फिजिशियंस सबको ये अथॉरिटी हो, वैक्सीन वाइडली अवेलेबल हो ताकि उनको मिल सके। ज्यादा से ज्यादा लोग आज इच्छुक हैं, मेरे पास दिन में कम से कम 20 फोन आते हैं कि हम वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, कहाँ से लगवाएं, मेरे पास उनके लिए कोई जवाब नहीं है, क्योंकि एक्चुअली वैक्सीन की शॉर्टेज है। ये प्लानिंग में कहाँ कमी है, ये केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, सबको मिलकर, रूलिंग पार्टी को, ऑपोजिशन पार्टी को, सबको एक राष्ट्रीय विचारधारा से सोचना चाहिए कि माने जब की बात है ना, माने जब की बात है कि वैक्सीन को लेकर प्लानिंग में कमी रही। वंदना जी, साफ साफ दिखाई दे रहा है, आंकड़े बता रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर प्लानिंग में बड़ा एक लैक रहा है आप लोगों की तरफ से भी, क्योंकि घोषणाएं हो गई, तैयारियां थी नहीं, उसके बाद करते क्या, फजीहत हो रही है, होनी थी नहीं, नहीं कोई मुझे नहीं लगता कि हमारी तरफ से प्लानिंग में कोई कमी रही। मैं इस चीज को, डॉक्टर राशि भी अभी इस चीज को मान रही थी कि एक समय में आज ही आराम से बैठे ओंकार सिंह जी, पहले सुन लीजिए बात को फिर जवाब दीजिएगा। जी जी बिल्कुल, आ रहा हूँ ओंकार जी, इनके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। इनकी प्लानिंग में कोई कमी नहीं थी, इसका ही जवाब लूंगा मैं आपसे। बार बार वैक्सीन पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया, कहा गया कि इस वैक्सीन को नहीं लगाना है, लोगों में बार बार डर दिखाया गया, बहुत सारे लोगों के बयान पलटते हुए देखा है मैंने। पहले वो कहते थे वैक्सीन नहीं लगवानी, आज ये पूछते हैं हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है, जबकि सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बच्चों की वैक्सीन तो अभी ट्रायल चल रहा है। तो लगा दीजिए मैडम, जो लगवाना चाह रहे हैं, पहले मना कर रहे थे, अब लगवाना चाह रहे हैं, लगवा दीजिए ना। नहीं, मंगवा रहे हैं उनके लिए, उत्पादन में तेजी ला रहे हैं, फंडिंग की आवश्यकता है तो फंडिंग भी कर रहे हैं, उत्पादन में भी तेजी आ रही है, बाहर से मंगवानी पड़ेगी तो वो भी। चार महीने में 50 लाख टीके लगे हैं, 3 करोड़ आबादी है, डबल डोज के लिए कम से कम 6 करोड़ चाहिए, आप मंगवा रहे हैं। सितंबर तक जितनी भी पॉपुलेशन है, जो भी 18 साल से ऊपर है, उनको सिंगल डोज लग जाएगी। ये समय की भी जरूरत है, लोग भी रिस्पॉन्ड करें। आपको एक एग्जांपल भी देना चाहूंगी कि एक डिस्ट्रिक्ट, एक शहर में ऐसा हुआ कि 9 दिनों में 957 डोजेस वेस्ट गई, क्योंकि लोगों ने स्लॉट बुक कराया और वो आए भी नहीं। तो ये कंडीशन भी आ जाती है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सरकार प्रतिबद्ध है कि जो वैक्सीनेशन है वो सभी को लगाना चाहिए। ओंकार जी, सितंबर की डेडलाइन दी है। प्रदीप जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, अपनी बहन से पूछना चाहूंगा, ये राष्ट्रीय आपदा है और केंद्र सरकार ने 35,000 करोड़ का बजट रखा था वैक्सीनेशन के लिए, शायद आपके पास भी आंकड़े होंगे भारत की। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, 20 करोड़ को एक या दो डोज लग गई है, 120 करोड़ बकाया रह गए। हम सोचते हैं 150 करोड़ होगी, दो टीके हमारे 300 करोड़ आने चाहिए हमारे पास, एक टीके की अंतरराष्ट्रीय प्राइस 100 रुपए। आप सुन तो लीजिए मेरी बहन, सुन तो लीजिए। देखो वंदना जी, आंकड़े बता रहा हूँ वंदना जी, बड़े काम की बात बता रहे हैं ओंकार जी, सुन लीजिए, आपके भी काम आएगा। आप मान लीजिए कि 300 करोड़ इंजेक्शन चाहिए हमारे को, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 100 रुपए से 150 रुपए में इंजेक्शन मिल रहा है, और इनको टोटल 300 करोड़ इंजेक्शन लेने के लिए अगर 200 रुपए भी लगाए तो 60,000 करोड़ की आवश्यकता है। 35,000 करोड़ ये कहते हमने पहले रख दिया, तो इनको कमी क्या है?
ये सिर्फ ड्रामेबाजी करते हैं और जनता का पेट आंकड़े दिखा के पढ़ना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब एक फार्मूला हमारे पास आ गया, भारत सरकार की तकरीबन 20 फार्मास्यूटिकल कंपनी है, सिर्फ एक कंपनी भारत बायोटेक इस वक्त बना रही है, वो फार्मूला दूसरी भारतीय कंपनी को क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों उनको रॉ मटेरियल नहीं दिया जा रहा, वो क्यों नहीं वैक्सीन बना सकती। और दूसरी फार्मूला शेयर, देखिए फार्मूला शेयर करने की बात तो पहले भी उठ चुकी, हालांकि स्पुतनिक भारत में बननी शुरू हो गई है। वेणु सिंगला जी, सितंबर की डेडलाइन दी है, देखिए आपको भरोसा है? पहले भी नहीं, भरोसा तो शब्द का इस्तेमाल ही ना कीजिएगा इस सरकार के राज में। भरोसा क्या होता है, शायद इन लोगों ने वो सबका तोड़ दिया, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों का भरोसा तोड़ के आए हैं ये, पहले दिन से झूठ के दम पर सत्ता में आया। खैर, आज समय हमारा राजनीति करने का नहीं है, जैसे कि अभी बहन हमारी शशि जी ने बताया कि आज हमें सबको मिलकर इसका एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग अपनी जो हमारी प्रदेशाध्यक्ष है बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी आज जी जान से जुटी हुई है और हर किसी जरूरतमंद के आगे खड़ी है, हर दिन रात खड़ी है। और बहन कुमारी शैलजा जी ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को शुरू में ही एक पत्र लिखा कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं और इसका सॉल्यूशन हम लोग सब मिलकर निकालेंगे, लेकिन वो अपने अभिमान में चूर, उन्होंने वापस उनको पत्र लिखा कि आप में शिष्टाचार की कमी है। इस तरह की तो बातें होती है इनकी सरकार में, मिलने को ये तैयार नहीं है, मिलजुल कर काम करने को तैयार नहीं है, झूठ का डंका बजाते हैं, भरोसे की बात करते हैं, भरोसा तोड़ते हैं, तो किस तरह की बात करें। आज इतना महामारी का समय है, देश में त्राही त्राही मची हुई है, आज तो हम लोगों को थोड़ा सा विनम्र होकर, थोड़ा सा नम्र होकर जनता के बारे में सोचना चाहिए। जनता के, अरे पत्थर दिल भी पिघल जाता है जब आप वो सीन्स देखते हैं कि किस तरह से जनता तड़प तड़प कर मर रही है, सांस घुट घुट कर मर रही है। बताइए वंदना पब्लिक जी, आपको लेटर लिख के, आपको सरकार को पत्र लिख के सुझाव दिए जाते हैं, आप कहते हो कि इनमें शिष्टाचार की कमी है, कुछ सुझाव अगर अच्छे हो तो मान भी लेने चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने अपनी पार्टी की तरफ से पहले स्टैंड बहुत हद तक क्लियर कर दिया है कि हम चाह रहे हैं कि 1 सितंबर तक सबको वैक्सीन लग जाए। सुझाव सबसे बड़ा, कोई रोड मैप भी तो होगा, कोई तैयारी भी होगी। मैंने आपको बताया 2 लाख प्रतिदिन जून के अंदर हमारे पास वैक्सीन आ रही है, हमारे पास 686 कोल्ड चेन पॉइंट हमने बनाए हैं, हमने वैक्सीन के पॉइंट बनाए हैं। ये आपको, अगर आपको पूरा रोड मैप चाहिए तो वो भी मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ। जी बताइए। मेरे पास एक एक नंबर है कि हमने क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, यहाँ पर ये सुझाव की बात कर रहे हैं, तो सुझाव तो मुझे लगता है अपनी पार्टी के अंदर देना चाहिए। इन्होंने कहा कि फूट के दम पर हम आए हैं, यानी कि आप मान रहे हैं कि आपके अंदर फूट थी। ठीक है, हम तो जनता के प्यार की वजह से आए हैं और जनता के विकास के कार्य का काम करना हमारा काम है, उसको हम लगातार कर रहे हैं। 10 दिन के अंदर ऑक्सीजन की कमी को हमने पूरा किया, जिसका आप क्वेश्चन ना उठा रहे हैं ना, हमने वैक्सीन बाहर क्यों दिया, वैक्सीन आपने बाहर क्यों दी, रॉ मटेरियल की वजह से देना था। और जहाँ पर हमने मित्रता निभाई, उन्होंने भी मित्रता निभाते हुए ऑक्सीजन हमारे देश को दी जब हमारे को जरूरत थी। हमने अपने जरूरत के हिसाब से काम किया है, हमें बाहर के देशों से मदद मिली है क्योंकि हमने उनकी मदद की है। ये शायद आप लोग नहीं समझेंगे क्योंकि आपको तो सिर्फ अपना घर भरना आता है, उसके अलावा और कुछ नहीं समझते हैं आप। ये जो काम है मेरी सरकार बहुत अच्छे से कर रही है, सितंबर तक हमारी प्राथमिकता अभी तक। मैं डॉक्टर शशि जी से इसको चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि वैक्सीन के लिए तैयारियां आने वाले वक्त में पर्याप्त हो? क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि लोगों की जो अभी हालत है, 5 दिन भी नहीं हुए, 23 मई को गए हुए, एक एक जिले के हिस्से में अगर हम कहें तो सिर्फ 176 इंजेक्शन आए थे, हालत यहां तक खराब हो चुकी है और लोग सच में इधर से उधर भाग रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। एक भय बना हुआ है कि कहीं उनको कोविड ना हो जाए, बचने के लिए तमाम एहतियात बरती जा रही है, उसके बावजूद एक वैक्सीन की कमी जो उनके भीतर है उसको लेकर डर तो है। तो क्या ऐसा किया जाए सरकार की ओर से जो आने वाले कुछ वक्त में, वंदना जी ने तो जिस तरह 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगनी थी, एक घोषणा हो गई, आज सितंबर तक की डेडलाइन दे दी है, वो कैसे पूरी होगी वो अलग बात है। आपकी तरफ से कोई सुझाव हो तो वो दीजिए, फिर खत्म करेंगे। मेरी तरफ से पहला और सबसे बड़ा सुझाव यह है कि कहीं से भी किसी भी तरह एनीवेयर एवरीवेयर से वैक्सीन लाई जाए और अपना घर भरा जाए, अपने लोगों को वैक्सीन दी जाए। 1 सितंबर बहुत दूर है वंदना जी, कृपया इस डेडलाइन को और नजदीक ले आइए और जितना जल्दी और जितना वाइड स्प्रेड हो सकता है उतना इस वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाया जाए।
दूसरी बात है, हर छोटे से छोटे सेंटर को, हर बड़े से बड़े सेंटर को, हॉस्पिटल को, हेल्थ केयर सेंटर को एक प्रोसेस दिया जाए कि वो वैक्सीन लगा सके। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो वैक्सीन लगवाने का है वो जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई किया जाए, ताकि लोगों को टेक्नोलॉजी में उलझ कर ना रह जाएं, इधर उधर धक्के ना खाने पड़े उनको, जहां उनको नजदीक से नजदीक अपने घर के पास जो भी छोटे से छोटी पीएचसी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां पे उनको वैक्सीन अवेलेबल हो और जो लगवाना चाहता है। आज के लोग सब इच्छुक हैं लगवाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा जनता इच्छुक है, जो लगवाना चाहता है उसको अवेलेबल हो वैक्सीन, और ये तभी होगा जब हमारे पास वैक्सीन होगी। एक और बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहती हूँ, तीसरी वेव में बच्चों के ऊपर कोरोना का इफेक्ट होने का बहुत ज्यादा चांस है। ये भी स्टडी आई है कि अगर प्रेग्नेंट फीमेल को कोविड हुआ है तो उसके अनजन्मे शिशु को भी कोरोना के इफेक्ट होने का चांस है। तो ये रिसर्च इस फील्ड में बच्चों के को भी वैक्सीन जल्दी से जल्दी मुहैया कराई जाए और उनको मोटिवेट किया जाए, इस रिसर्च को भी बहुत जल्द आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि तीसरी वेव में ये बहुत बड़ा भय है कि बच्चों को क्योंकि वैक्सीन नहीं मिली है तो कम से कम बच्चों के घर वाले जो हैं वो जल्दी से जल्दी इस वैक्सीन को ले लें, ताकि उनका रिस्क कम हो सके। और इसका एक ही जवाब है कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल हो और हर छोटी से छोटी, बड़े से बड़े सेंटर में अवेलेबल हो। हमारे डॉक्टर्स बहुत केपेबल हैं, सभी डॉक्टर्स बहुत केपेबल हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सितंबर की तारीख बहुत दूर है, एक बात, बच्चों के लिए वैक्सीन होनी चाहिए, दूसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण, जहां से मिले जैसे मिले वैक्सीन लेके आए, ताकि हरियाणा के लोगों को, देश के लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके और इस कोरोना महामारी से अच्छे से लड़ा जा सके। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।